देखते हैं उनके घर जाके दुपट्टा मतलब कितना रहता है। मैं गलत लोगों के साथ बैठ गई, पद्मा जी अमीर निकले। यार गेस्ट जब आते हैं तो रुकना चाहिए पूरा, ऐसे नहीं कि खा के निकल। हम सब भारतीय हैं। हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। इस वक्त रात के 9 बज गए, मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज हमें सुरेश वाडेकर जी ने बुलाया है अपने घर पे। उनके घर में कुछ म्यूजिक के लोग आ रहे हैं तो थोड़ा म्यूजिक का माहौल होगा। और पद्मा जी मेरी फेवरेट है क्योंकि मैंने सारेगामापा उनके साथ किया है, वो जूरी में थी। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और बस आज सूट पहना है मैंने, पंजाबी सूट दुपट्टे वाला। अब देखते हैं दुपट्टा, ये देखो पूरा इधर उधर बांधा हुआ है। अब देखते हैं उनके घर जाके दुपट्टा मतलब कितना रहता है, क्योंकि सुरेश वाडेकर जी उनके गाने सुने यार इतने अच्छे अच्छे, तो मुझे थोड़ा संस्कारी बन के जाना पड़ेगा। पहुँच के बंद करती हूँ। हाँ तो हम आ गए हैं यार, यहाँ पे तो सारे म्यूजिक वाले हैं। मेरे को लग रहा है कि हम गलत लोग यहाँ पे आ गए, हर कोई म्यूजिक वाला। ये देखो म्यूजिक वाले, वो म्यूजिक वाले, ये म्यूजिक वालों की बीवियाँ, वो पद्मा जी इधर गा रही हैं, इधर ये बैठे हैं सब। और मुझे लगता है ये लंबा पार्टी चलेगी, है ना। मुझे मेरा बच्चा बड़ा ना हो जाए, कहीं बहू ना ले आए, बस हर्ष का वेट करें। सो ये सारे सारे गाँव वाले हैं, ये बंदा भी एकदम गोले जैसी, इतना मतलब पता नहीं कैसे स्किन हो जाती है लड़कियों की, है ना। ऐसे हमारी देखो, हमें गाने बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हमको भूख भी बहुत लगी है। आपने मेरा वीडियो 3 बार खराब किया है, अपना सर रख के माफ कर। वाह, तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इतना मतलब शांति वाले, क्योंकि वो ऐसे वाला म्यूजिक नहीं है, एकदम शांति वाला, मजा चिल कर रहे हैं। पद्मा जी इतनी स्वीट है, इतनी मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी पंजाब की कोई 10th क्लास की सहेली है। इतनी क्वीट, मतलब एक क्वीट हो गया इनके लिए, इतनी क्यूट है ना। वो उधर गा भी रहे थे, मुझे बीच में से लेकर आए, कहते आइए घर देखिए, आइए घर देखते हैं। पद्मा जी इतनी मतलब मॉडर्न है, मुंबई में रहते हैं सुरेश वाडेकर तो आपको पता है लेजेंड है, बट घर में एकदम ऐसा लगता है कभी कभी गाँव की रसोई में आए हैं। माइंड ब्लोइंग यार, ये आजकल कहीं देखने मिलता है नहीं, ये कहीं देखने मिलती है नहीं, ये सिर्फ इसी घर में मिलेगी। और इतनी अच्छी बात है कि स्टील के बर्तन, मैं स्टील के बर्तन देख के इतनी खुश होती हूँ। मेरे घर में है कांच के, बट हर्ष ने मुझे कहा कि जब भी मुझे खाना देगी स्टील के बर्तनों में दे। मेरी जितनी भी घर में हाउस हेल्प है मैं उनको बोलती हूँ भैया को कांच के बर्तनों में दो, वो अलग अलग रंग बिरंगे बर्तनों में देती है कि भैया खुश होंगे। मैंने बोला स्टील के बर्तनों में दे, हम एकदम गाँव वाले हैं, मज़ा आता है यार स्टील के बर्तन से। और पद्मा जी हाथ से खाने में, हाथ से, मैं तो थोड़ी इधर, क्योंकि ये इनका घर बहुत, ये अमीर निकले यार, पद्मा जी अमीर निकले। मैंने पूछा पद्मा जी आपका घर कहाँ है, स्माइल के करिए जूहू में। मैं कहा जूहू, हाँ बच्चन साहब के घर के आगे। मैं कहा बच्चन साहब के घर के आगे भैया, मतलब बच्चन साहब के घर का भी अभी लोन चल रहा है, इनका पास हो गया है। और इन्होंने भैया इनके फ्रिज देखो, ये क्या सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट आप फ्रिज में रखते हैं पद्मा जी, बताइए इतना भाई क्या क्या, तबला हारमोनियम सब अंदर है क्या, प्यार है। और आपके लिए बहुत प्यार है, सो स्वीट। यार गेस्ट जब आते हैं तो रुकना चाहिए पूरा, ऐसे नहीं कि खा के निकल, खा के उनकी उनकी रसोई में आके ऐसे कर रही, मुझे खा के ना कैब भी लेनी है, मुझे जाना भी। उन्होंने फटाफट रोटी दे दी, कहते ले खा कैब कर और निकल। अरे यार यहाँ भी स्टील के, बहुत मजा आ रहा है, पसीनों पसीनों हंस हंस के, ऊपर सब गा रहे हैं लेकिन हमको कोई फर्क नहीं, हम इधर बैठे हैं। और ये लड़की उंगलियां चाट रही है, देखिए लेजेंड लोगों के घर आके पता है कितना अच्छा है। ये भी हंस रही है, हंसो दीदी, हंसी हंसी हंसी। दीदी आपने मुझे टीवी पे देखा है, बिल्कुल आपको कौन नहीं जानता है, सच्ची सच में सारेगामापा में आपने, लेकिन पद्मा जी के हाथ में कभी मेरे लिए कुछ खाने को नहीं भेजा, भेजा था उन्होंने शायद दिया नहीं होगा, ये बात सच है।
अब अगली बार जब करेंगे तो भेजना पराठे पराठे। पक्का, थैंक यू। ये दीदी है बहुत अच्छी दीदी, मेरे को तो अभी पहली बार मिली, मेरे को इनसे इतना प्यार हो गया। और पद्मा जी अपने घर में चोरों की तरह कभी उस दीवार पे लग के हंस रही, कभी इस। पद्मा जी ने कहा आइए ना, संगीत का प्रोग्राम है। मैंने बोला कौन आया? तो कहते अनूप जलोटा जी। जैसे अनूप जलोटा जी बोले, मैंने बेड उठा के सूट निकाला और खुद देखो फ्रॉक में पद्मा जी, और कट वाली फ्रॉक पहनी जिसमें घुटना भी दिख रहा है। फिर मुझे पूरा देखो क्या बना दिया, हम सब भारतीय हैं। और खुद देखो छोटी बच्ची बेल्ट लगा के फ्रॉक पहन के, और इधर देखो मैं, देखो ऐसे होता है अनूप जलोटा जी की चाची आई साथ में। ये देखो इसको कैप पकड़नी भाई, खाओ 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 खाओ। बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है हमें लेजेंड्स के बारे में। सो गाइस अभी डिनर का टाइम हो गया, लेकिन रात के 2:15 बज रहे हैं। और ये देखो ये मम्मी है जो बच्चों को कहती है कि रात को नहीं खाना खाना, खुद प्लेटें भर भर के। दो बजे हमारे साथ राहुल वैद्य, सुपरस्टार सिंगर जो अभी अभी वेगस से लैंड हुए हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के कारण वो यहाँ पर आए हैं। वेगस यानी कि वर्सोवा। सो किसी ने घर अपने बुलाया होता है पार्टी वार्टी के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब उनके घर अखबार दूध वाला है तब जाना है ना, क्योंकि हम लोग तो जाने वाले थे लेकिन मिस्टर राहुल वैद्य वो फ्री थे, इसीलिए वो आए। एक होता है ब्लॉग बनाना, एक होता है बीइंग एक्टिव मैन, यू नो गाइस। मेरा भाई, मेरा बॉय, गुड मॉर्निंग। रात को बहुत लेट हो गया था, हमने कई सालों बाद इतनी लेट वाली पार्टी की, क्योंकि वो पार्टी ही ऐसी थी, मतलब इतने अच्छे अच्छे गाने गा रहे थे अनूप जी, फिर पद्मा जी, सुरेश सर, और बहुत मज़ा आया, सच में बहुत मज़ा आया। और गाने चल रहे थे 90s 80s के, इतना अच्छा लगा, सब बैठे थे, लाइट कम थी, इतना मज़ा आया ना। मतलब हम लोग घर पता कितने बजे आए, 4:15। सो अभी मैं उठी हूँ, 11 बज गए, हर्ष अभी भी सो रहा है, लेकिन कल की शाम बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच पद्मा जी, थैंक यू सो मच सुरेश जी, और बहुत बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने वो शाम हमारे लिए रखी थी। बार बार बोला जा रहा था भारती और हर्ष के लिए, इतना अच्छा लग रहा था कि आप लेजेंड लोग हैं, हम तो अभी बच्चे हैं, बट बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए मुझे और हर्ष को। और हाँ, मैं आप सबको बता दूँ कि पार्टी पे हर कोई बेचारा गोले के बारे में पूछ रहा था, गोला क्यों नहीं आया, गोला। अभी मैं क्या कर, नेक्स्ट टाइम कभी पार्टी होगी ना ऐसी जहाँ पे यही लोग आएंगे, तो मैं गोले को पहले ले जाऊँगी 10-15 मिनट के लिए, फिर मिलवा के भेज दूँगी, क्योंकि सब गोले को बहुत मिस करते हैं। आए, थैंक यू पद्मा जी।